So hello everyone, welcome to my channel Commerce News. आज हम इस वीडियो में वर्क स्टडी जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका एक और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे स्कोप ऑफ वर्क स्टडी तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या स्कोप होते हैं वर्क स्टडी के ठीक है और ये एक प्रीवियसली बेस्ड है तो मीनिंग के साथ आपको स्कोप भी पूछा जाता है तो हमने मीनिंग डिटेल में डिस्कस किया है नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप जाके वहाँ से देख सकते हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके इसको शेयर भी करना है जिनका भी ये सब्जेक्ट है ये टॉपिक आपको बी और एमकॉम में अलग अलग सब्जेक्ट से बनता है अभी फिलहाल हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है तो वहां पर बेसिकली डिटेल में चैप्टर है तो हम क्या है उसको डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थेके? तो हम क्या है हर एक टॉपिक पे ही वीडियो बनाते हैं सो so दैट कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमको क्या है उस अकॉर्डिंग भी पता हो ओके तो अगर हम स्कोप देखें वर्क स्टडी की तो आपसे क्या पूछा गया है स्कोप ऑफ वर्क स्टडी बताओ तो द स्कोप ऑफ वर्क स्टडी इज़ ब्रॉड ये बहुत बड़ा है एंड इट कैन बी अप्लाइड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ कह रहे जो वर्क स्टडी है ना उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हो और लोग करते भी हैं क्यों सो दैट वो इंप्रूव कर सके अपनी एफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ये दो की वर्ड है अभी तक अगर आप पिछली दो वीडियोज़ आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही वर्क स्टडी की जाती है तो अब हम क्या है कुछ की एरियाज़ देखेंगे जहाँ पे वर्क स्टडी को क्या है अप्लाई किया जाता है सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या है इम्प्रूव इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है जो भी प्रोडक्शन करने के लिए आप प्रोसेस को फॉलो करते हो वहाँ पे उसे इंप्रूव करना होता है आपको किसी असेंबली लाइन को या फिर किसी मटेरियल हैंडलिंग को तो वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है वर्क स्टडी को अगर आपको रिड्यूस करनी है कोई वेस्टेज या फिर ऑप्टोमाइज़ करना है अपने मशीन का यूज़ लेबर का एंड मटेरियल का तब भी वर्क स्टडी करी जाती है फिर आता है सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पे आपको प्रोसेस को अगर स्मूथली चलवाना है लाइक कस्टमर सर्विसेज बैंकिंग ठीक है तो यहाँ पे भी वर्क स्टडी की जाती है अगर आपको क्या है जो वेटिंग टाइम है उसे कम कर करना है इम्प्रूव करनी है सर्विस की क्वालिटी या फिर डिलीवरी स्पीड को बढ़ाना है तब भी आप वर्क स्टडी करते हो नेक्स्ट है ऑफिस वर्क अगर आपको इन्हांस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हो गया डाटा एंट्री हो गया फ़ाइल मैनेजमेंट हो गया तब भी आप वर्क स्टडी कर सकते हो इम्प्रूव करना है अगर आपको वर्क फ्लो एंड रिड्यूस करना है जो भी अननेसेसरी स्टेप्स हो रहे हैं या डिले हो रहे हैं तब भी आप वर्क स्टडी कर सकते हो बल्कि की जाती है फिर है हेल्थ केयर तो यहाँ पे अगर आपको क्या है कि अगर आ, यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करनी है प्रोसेस हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स में तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको रिड्यूस करना है जो भी वेटिंग टाइम्स है और इम्प्रूव करना है एफिशिएंसी तब भी आप क्या है इसको यूज़ करते हो वर्क स्टडी को अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें तो यहाँ पे अगर इम्प्रूव होती है ऐसे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट की जिससे टाइम सेव होता है रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होते हैं ऑप्टोमाइज़ करना है आपने मटेरियल का यूज़ मशीन का यूज़ लेबर का यूज़ कंस्ट्रक्शन टास्क में तब भी वर्क स्टडी की जाती है फिर है रिटेल में तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया चेकआउट प्रोसेस हो गया स्टोर का लेआउट कैसा है सो दैट इंप्रूव रहे कस्टमर की एक्सपीरियंस एंड सेल्स एफिशिएंसी तब भी वर्क स्टडी आप यहाँ पे करते हो अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में यूज़ करना है वर्क स्टडी तो यहाँ पे क्यों करते हैं इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लाइक डिलीवरी रूट व्हीकल मेंटेनेंस ठीक है रिड्यूस करनी है अगर कॉस्ट एंड एनहानस करना है स्पीड ऑफ डिलीवरी फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या है इसको यूज़ किया जाता है प्लांटिंग करने के लिए हार्वेस्टिंग के लिए तो यहाँ पे भी वर्क स्टडी को किया जाता है ठीक है सो so दैट हम और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं ये देखें तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क स्टडी है ना भाई अप्लाई की जा सकती है किसी भी एरिया में ठीक है जहाँ पे ये नीड है कि अगर आपको उस प्रोसेस में एफिशिएंसी को बढ़ाना है कॉस्ट को कम करना है या क्वालिटी को बढ़ाना है वर्क की तो इसको आप वर्क स्टडी को क्या उन्होंने एरियाज में अप्लाई कर सकते हो ये यूज़फुल होता है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हेल्थ केयर ऑफिसेज एंड और भी अलग अलग सेक्टर्स ओके तो ये एक छोटा सा ही क्वेश्चन था जो कि आपको पूछा गया था मीनिंग के साथ कि स्कोप ऑफ वर्क स्टडी बताओ या फिर आपसे पूछा था कि कहाँ कहाँ पर जो वर्क स्टडी उसको अप्लाई किया जाता है ठीक है कहाँ कहाँ पर बेसिकली इसको अप्लाई किया जाता है तो अगर उस हिसाब से क्वेश्चन आता है तो आपको बता देना है कि हाँ भाई बहुत सारे सेक्टर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं वो बता देना ठीक है जो हमने ये अलग अलग सेक्टर्स के जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं ना वहाँ पर यही लिखा हुआ है कि क्यों करते हैं ठीक है फर्स्ट टू पॉइंट्स हर किसी के अंदर दिए हुए हैं तो आपको इस हिसाब से दे लास्ट में क्या है समरी देते नहीं है तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल पर मिले तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट होने वाली है तो थैंक यू